Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the question 5. In the question 5 is, find the value. आपको यहाँ पे कुछ expression दिए हैं जिनकी values को आपको बताना है. See the first expression. First expression is 10 5 into 10 25 into 10 30 into 10 65 into 10 85. यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो ये वाला है 5 डिग्री, किसका है? 85 डिग्री के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, और 25 डिग्री है जो 65 डिग्री के, और ये बिल्कुल. तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो फर्स्ट वाला है, दिस इज इक्वल टू 10 5 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 90 माइनस 5, ये 90 माइनस में 5 लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये 90 माइनस 85, यहाँ पे 90 माइनस 85 लिख सकते हैं 10 5 को, 90 माइनस 85. अब इसका दूसरा वाला जो पेयर है 10 85 डिग्री, इस वाले पेयर को मैं एज इट इज रहने. नाउ स्टूडेंट, अब यहां पर मैं 10 25 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 25 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 10 90 माइनस 65 डिग्री, ये लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 65 क्या होता है 25. नाउ फर्दर स्टूडेंट, यहां पर आप देख सकते हैं 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, ये वैल्यू 1/√3 आ गई. नाउ सिमिलरली अब यहाँ पे मैं 10 65 डिग्री को एज इट इज लिख दूंगा 10 65 डिग्री, एंड उसके बाद 10 85 डिग्री को मैं 10 85 डिग्री ही रहने दूंगा. नाउ फर्दर अब आप देखिए 10 90 माइनस 85 डिग्री, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो ये कितना हो गया कॉट, दिस इज कॉट 85 डिग्री. Then 10 90 minus 65 degree क्या हो जाएगा cot 60, this is cot, मैंने cos लिख दिया, this is cot 65 degree. उसके बाद 1/√3 यहाँ पर आ गया, and then further हम यहाँ पे क्या कर देंगे 10 65 degree, and further हम यहाँ पे 10 85 degree कर देंगे. अब आप देखिए, मैं cot 85 degree को 1/10 85 डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि cot थीटा 1/10 थीटा होता है. सिमिलरली यहां पर मैं 1/10 65 डिग्री लिख सकता हूं, उसके बाद 1/√3 एज इट इज आ गया, उसके बाद स्टूडेंट 10 65 डिग्री भी एज इट इज आ गया, और उसके बाद फर्दर 10 85 डिग्री भी आ गया. अब आप देखिए स्टूडेंट, यहां ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, तो बाकी जो आपका बचा वो वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या आ गई 1/√3, तो वैल्यू क्या है 1/√3 के. अब इसी का हम सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट. सेकंड पार्ट क्या था, साइन 50 प्लस क्यू माइनस कॉस 40 माइनस क्यू के. नाउ स्टूडेंट, मैं यहाँ पर साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ इसको, साइन थीटा को अगर मैं थीटा लू 50 प्लस कॉस 90 माइनस 50 प्लस क्यू, ये लिखा जा सकता है, और दूसरे वाले को एज इट इज मैं यहां पर छोड़ देता हूं. अब फर्दर यहां पे क्या हो जाएगा, जब आप लिखेंगे कॉस 90 माइनस 50 माइनस क्यू एंड माइनस कॉस 40 माइनस क्यू एज इट इज आ गया. अब ये क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा 40 माइनस क्यू, एंड फर्दर यहाँ पे कॉस 40 माइनस क्यू एस यहाँ, ये दोनों वैल्यू सेम है, इक्वल करके वैल्यू जीरो के आ गए. इसी का अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, और थर्ड पार्ट हमारा क्या था, सी द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 10 50 डिग्री प्लस sec 50 डिग्री अपॉन cot 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों पेयर हैं, एंड ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं. साथ ही यहां अब अगर आप देखें, ये दोनों भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो इन्हें हम क्या करेंगे, बदलेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहां पर अगर मैं देखूं, दिस इज 10 50 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 50 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, सी 10 90 माइनस 40 डिग्री लिख सकता हूं, साथ ही प्लस sec 50 डिग्री को क्या लिख सकता हूं मैं, sec 90 माइनस 40, ये हम लिख सकते हैं. अब इनके जो नीचे की साइड है दिस, वो हम ऐसे चीज छोड़ देंगे, यानी कि ये वाला दिस इज cot 40 डिग्री प्लस उसके बाद ये वाला क्या है हमारा cosec 40 डिग्री.
साथ ही अब दूसरी साइड आप देखिए, दूसरी साइड आपका प्लस था, यहाँ कॉस 40 डिग्री को हम क्या लिख देते हैं, एज इट इज छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कॉस 40 डिग्री को एज इट इज, कॉसेक 50 डिग्री को, इस कॉसेक 50 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 90 माइनस 40 लिखा जा सकता है ये। अब फर्दर आप यहाँ पे देखिए, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टेन 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा, यानी कि 40 डिग्री, क्योंकि थीटा यहाँ पे 40 डिग्री है। दूसरा sec 90 माइनस 40 डिग्री क्या हो जाएगा, यानी sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा, यानी कि cosec 40 डिग्री। अब इसके अपॉन में क्या है, सेम टू सेम वही है, ये अपॉन में दिया हुआ है प्लस, तो ये वैल्यू तो सेम है, तो यहाँ पे नेग्लेक्ट हो जाएंगी एंड वन आ जाएगी। अब दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ आपका क्या दे रखा है, cos 40 डिग्री तो एज इट इज है, cosec 90 माइनस 40, cosec 90 माइनस 40 क्या होता है, sec 40, यानी के sec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा। अब स्टूडेंट फर्दर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर तो वैल्यू क्या आई, 1 आई, 1 के बाद आप देखें प्लस cos 40 डिग्री, आप क्या लिख सकते हैं, sec 40 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में cos 40 डिग्री, क्योंकि sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, तो ये भी 1 के आई, तो 1 प्लस 1 2, कंप्लीट वैल्यू क्या आई, 2 के इक्वल आई।